चंद्रयान 3 के चांद तक पहुंचने से पहले ही जाग उठा चंद्रयान 2। जिस मिशन पर लगा रहे थे दुनिया भर के लोग फेलियर का ठप्पा, आज उसी मिशन के द्वारा चांद के बारे में भेजे गए डाटा और कई हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें खींचकर चांद की सतह का नक्शा भी बना दिया है। दरअसल चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में 8 उपकरण लगे हुए थे, जो पिछले 4 सालों से चांद की कक्षा में ऑर्बिटर के साथ घूमते हुए चांद की स्टडी कर रहे थे, और इन्हीं उपकरणों ने इसरो की ग्राउंड टीम को चांद के बारे में जरूरी जानकारी दी है। इस जानकारी की बात करें तो चंद्रयान 2 के इस ऑर्बिटर ने चांद की कई हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें खींचकर चांद की सतह का नक्शा बना लिया है। साथ ही इसने चांद के दक्षिणी ध्रुव में सतह पर बड़े बड़े पत्थरों और गड्ढों की भी पहचान कर ली है, जिससे इसरो के वैज्ञानिकों को चंद्रयान 3 के लैंडर को लैंड करवाने के लिए सही लोकेशन चुनने में काफी मदद मिली है। दूसरी सबसे बड़ी खबर और खोज की बात करें तो चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर उपकरण ने चांद की सतह पर क्रोमियम, मैग्नीज और सोडियम जैसे मूल्यवान खनिज होने की डिस्कवरी की है। इसके अलावा चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, मरकरी और सिल्वर जैसे मूल्यवान संसाधनों का खजाना मौजूद हो सकता है, और चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद इसका प्रज्ञान रोवर इन संसाधनों की खोज करने निकलेगा। साथियों, चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर पर एक्सरे मॉनिटर लगा हुआ है, जो पिछले 4 सालों से चांद के साथ साथ सूरज की भी स्टडी कर रहा है, और इसने सन की माइक्रोफ्लेयर्स को स्टडी किया है। साथ ही अब ये इस बात का भी पता लगा रहा है कि जब सूर्य की ऊपरी सतह फोटोस्फीयर का टेम्परेचर सिर्फ 5500 डिग्री सेल्सियस है, तो फिर सूर्य के वातावरण का ऊपरी हिस्सा यानी कोरोना का टेम्परेचर 1,000,000 डिग्री सेल्सियस तक क्यों पहुंच जाता है। साथ ही इसने इसरो को धरती और चांद की तरफ आने वाले सौर तूफानों का भी डेटा भेजा है। इस डेटा से हम ये पता लगाएंगे कि सूर्य कब और कितने शक्तिशाली सौर तूफानों को अंतरिक्ष में फेंकता है, ताकि भविष्य में जब कभी भी इंसानों को अंतरिक्ष में रहने के लिए भेजा जाए तो ट्रैवल करने के दौरान हमारे स्पेसक्राफ्ट का सामना भयानक सौर तूफानों से ना हो। दोस्तों, अगर आप भारत के पहले सूर्य मिशन यानी आदित्य L1 के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल चंद्रयान 2 द्वारा की गई बाकी डिस्कवरीज की बात करें तो इसके ऑर्बिटर ने चंद्रयान 1 की खोज पर भी 100% सही होने का ठप्पा लगा दिया है। जी हाँ, साल 2008 में लॉन्च हुए इसरो के पहले मून मिशन चंद्रयान 1 ने चांद पर बर्फ के रूप में जमे पानी के होने की खोज की थी, और चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर पर लगे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर उपकरण ने चांद की सतह पर हाइड्रोक्सिल और वाटर आइस को डिटेक्ट करके ये बात कंफर्म कर दी है कि चांद पर पानी मौजूद है। वहीं चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर पर ड्यूअल फ्रिक्वेंसी रेडियो साइंस एक्सपेरिमेंट नाम का उपकरण भी लगा है, जो चांद के एटमोस्फियर की स्टडी कर रहा है। जी हाँ, वैसे तो चांद को एयरलेस एटमोस्फियर वाला माना जाता है, लेकिन वहाँ पर पतला वातावरण मौजूद है, और ऑर्बिटर के इस इंस्ट्रूमेंट ने चांद के आयनोस्फीयर की स्टडी करके बताया है कि चांद के वातावरण का यह हिस्सा पृथ्वी के आयनोस्फीयर से लगभग 1,000,000 गुना पतला है। आसान शब्दों में बताएं तो किसी भी ग्रह या उपग्रह में आयनोस्फीयर वातावरण का वो हिस्सा होता है जहां वातावरण खत्म होकर स्पेस के वैक्यूम की शुरुआत होती है। यानी किसी भी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में एंट्री और एग्जिट करने के लिए उसके आयनोस्फीयर के बारे में सटीक जानकारी होना काफी जरूरी है। इसके अलावा चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चांद की सतह के गड्ढों की भी जांच करने में लगा हुआ है, और 2019 में इसके मिशन की अवधि 7 साल तय की गई थी, और ये कम से कम अगले 3 सालों तक चांद की परिक्रमा करते हुए इसरो की ग्राउंड टीम को चंद्रमा के बारे में डेटा भेजता रहेगा, और 3 सालों बाद भी अगर इसकी कंडीशन ठीक रही तो इसरो इस मिशन की अवधि को और ज़्यादा बढ़ा देगा। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि भले ही चंद्रयान 2 के लैंडर ने चांद की सतह पर हार्ड लैंडिंग की हो, लेकिन चंद्रयान 2 के बचे हुए हिस्से 100% काम कर रहे हैं। जैसा कि दोस्तों, आज से तकरीबन 4 साल पहले 22 जुलाई 2019 के दिन भारत ने अपने दूसरे मून मिशन चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था, और अपने 48 दिनों के लंबे सफर के बाद 7 सितंबर 2019 के दिन चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर चांद की धरती पर लैंडिंग करने के लिए आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी अचानक से चंद्रमा 2 के साथ इसरो की ग्राउंड टीम का कनेक्शन टूट जाने की वजह से विक्रम लैंडर एकाएक चांद की तरफ
सतह पर जाकर क्रैश हो गया, जिससे पूरे भारत में दुख का माहौल छा गया था और दुनिया भर के लोगों को यह लगा था कि चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया। लेकिन चंद्रयान 2 को लेकर अब जो जानकारी सामने आ रही है उसने सबके होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि चंद्रयान 2 से मिली इस जानकारी की वजह से चंद्रयान 3 मिशन को बड़ा फायदा होने वाला है। दोस्तों, पिछली बार चंद्रयान 2 मिशन के दौरान जब स्पेसक्राफ्ट का विक्रम लैंडर चांद की सतह को धीरे धीरे छूने में यानी सॉफ्ट लैंडिंग करने में नाकामयाब हो चुका था, तब दुनिया भर की कई स्पेस एजेंसीज ने इस मिशन को फेलियर करार दे दिया था। लेकिन इसरो ने बताया था कि चंदा मामा पर फतेह पाने के हमारे इस मिशन का मुख्य लक्ष्य सिर्फ चांद पर लैंडिंग करना ही नहीं था, बल्कि हमारे इस मिशन के हर चरण के कुछ लक्ष्य थे जिन्हें सफलतापूर्वक प्राप्त करके हमने पूरे मिशन के 90-95% लक्ष्यों को हासिल कर लिया है और अब हम हमारी गलतियों से सीखकर एक बार फिर चांद की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने 4 साल तक दिन रात काम करके चंद्रयान 3 को डिजाइन किया, जिसके लैंडर में वो सभी जरूरी बदलाव किए गए जिनकी वजह से चंद्रयान 2 का लैंडर चांद की धरती पर सुरक्षित उतरने में कामयाब नहीं हो पाया था। और 14 जुलाई 2023 के दिन चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया गया। इस नए मून मिशन की अपडेट्स की बात करें तो इस वक्त चंद्रयान 3 अंडाकार मार्ग यानी इलेप्टिकल रूट में पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए धरती से दूर और चांद के करीब पहुंचता जा रहा है और इसरो की ग्राउंड टीम इसके सभी ऑर्बिट रेंजिंग मैन्यूवर्स को सही तरीके से परफॉर्म कर रही है। यानी फिलहाल ये मिशन बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा है और सब कुछ सही रहा तो 1 अगस्त को चंद्रयान 3 पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सीमा से बाहर निकलकर चांद की तरफ बढ़ेगा और 5 अगस्त के दिन लूनर ऑर्बिट इंसर्शन यानी चांद की कक्षा में प्रवेश करने की प्रक्रिया शुरू होगी और 23 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर लैंडिंग करेगा, जिसके बाद चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर 14 दिन के सफर करके इसके दक्षिणी ध्रुव के बड़े बड़े गड्ढों की तलाशी लेने वाला है। बता दें कि चांद के दक्षिणी ध्रुव में 1 सेंटीमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं, जिनमें से कई ऐसे क्रेटर्स हैं जहां अरबों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पड़ी है और वैज्ञानिकों के मुताबिक इन्हीं क्रेटर्स में थोड़ा बहुत नहीं पूरे 10 करोड़ टन पानी मौजूद हो सकता है। और अगर चंद्रयान 3 ने इस पानी की खोज कर दी तो ये स्पेस एक्सप्लोरेशन फील्ड की आज तक की सबसे बड़ी खोज होगी, जो चांद पर नई बस्ती बसाने के हमारे सपने को नई उम्मीद देगी, क्योंकि किसी भी ग्रह या उपग्रह पर रहने के लिए जो 2 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं वो हैं हवा और पानी। और अगर पानी मौजूद होगा उसमें से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं, जिसमें से ऑक्सीजन सांस लेने के काम आएगा और हाइड्रोजन ईंधन के रूप में। इसके अलावा चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर लगे इंस्ट्रूमेंट्स मिलकर चांद के तापमान की जांच करेंगे, चांद पर होने वाली भूकंपीय घटनाओं की जांच होगी, साथ ही ये चांद के वातावरण में गैसों और प्लाज्मा की जांच भी करेंगे। इसके अलावा कई सीक्रेट साइंटिफिक रिसर्चेस भी किए जाएंगे। इसी से आप ये समझ सकते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप भी हमारी तरह यही चाहते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन सफल हो, तो आइए कमेंट बॉक्स में साथ मिलकर इस मिशन की कामयाबी के लिए दुआएं करते हैं। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही ऐसे ही रोमांचक वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा लीजिए। धन्यवाद।